आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं तहलका फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य गतिविधियों के साथ। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ, एक साथ दो लोगों ने गवाई कोरोना से जान। रिफाइनरी निवासी 51 वर्षीय व सेक्टर 11 वासी 55 वर्षीय व्यक्ति की हुई कोरोना से मौत। जनसेवा दल के सदस्यों की देखरेख में किया गया कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार। जिले में अब तक कुल 29 लोग गवा चुके हैं कोरोना से जान। जिले में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व, भक्तों ने मंदिरों में रखा सोशल डिस्टेंस का ध्यान। कुटानी रोड पर गंदे नाले पुलिया के पास 40 वर्षीय जमील की हत्या का पर्दाफाश करते हुए CIA 3 पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू। आरिफ जिला मुजफ्फरनगर UP निकला जमील का हत्यारा। फतेहपुरी चौक पर भाभी की चाकू गोदकर हत्या करने वाले देवर को पकड़ने वाले एडवोकेट देवेंद्र कुमार को SP मनीषा चौधरी ने कार्यालय में किया सम्मानित। श्री कृष्ण कुमार व होमगार्ड विकास कुमार को पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी ने कार्यालय में किया सम्मानित। तीनों को तृतीय श्रेणी प्रशंसा पत्र व 2,000 रुपए की नगद राशि देकर किया गया सम्मानित। जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन हो या रात बदमाश चोरी व लूटपाट स्नैचिंग की वारदातों को दे रहे अंजाम। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, आज भी मनाई जाएगी और कल भी मनाई गई थी। तो आइए बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस साल मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं होंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। जन्माष्टमी को लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी इत्यादि अनेक नामों से भी जाना जाता है, परंतु अधिकांश लोग इसे जन्माष्टमी ही कहते हैं। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी विश्व भर में 11 व 12 अगस्त दोनों दिन मनाई जा रही है। इस दिन लोग श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रख भजन कीर्तन करते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से ब्रजवासियों को मुक्त कराने के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही सभी पहरेदार सो गए और देवकी वासुदेव की बेड़िया भी अपने आप खुल गई और आकाशवाणी के आदेश से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेटाकर यमुना पार बाबा नंद के यहाँ छोड़ आए और भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में ही रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से युवावस्था तक ब्रज में रहकर कंस सहित अन्य राक्षसों का संहार किया और भक्तों को अनेक मधुर लीलाओं का सुख प्रदान किया। आज भी सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को अपने छोटे बालक की तरह ही लाड़ लड़ाते हैं। संपूर्ण विश्व में भी श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन मध्यरात्रि 12 बजे तक व्रत कर भगवान श्री बाल कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करा झूला झुलाते हैं। इस दिन संपूर्ण भारत के सभी मंदिरों की शोभा देखते ही बनती है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने विशेष रूप से श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस दिन जगह जगह पर रासलीला और कृष्ण लीला का दर्शन सहज ही प्राप्त होता है। इस दिन संपूर्ण विश्व कृष्णमय हो जाता है। आइए हम भी उन लीला पुरुषोत्तम योग योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पानीपत में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस तो लगातार बनाई जा रही हैं, पर धरातल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल हम पानीपत के मुख्य बाजार इंसार बाजार की बात कर रहे हैं, जहां पर संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुनील अरोड़ा खुद ही इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जिला उपायुक्त द्वारा समय समय पर बाजारों के लिए नई गाइडलाइंस तो बनाई जा रही हैं, पर संबंधित विभागों के निचले अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते शहर में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही दुकानदार खुद इन नियमों का पालन कर रहे हैं। सुनिए बाजार प्रधान सुनील अरोड़ा की जुबानी। देखो, इसमें दो कारण हैं मेन। एक तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए, प्रशासन ने शहर को राम भरोसे छोड़ दिया है,
दूसरा लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में कोरोना की दहशत ख़त्म हो गई है। लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, जबकि मैं देख रहा हूँ भी कोरोना हर जगह हो गया, पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी सराउंडिंग में, इंसार बाज़ार में, महाजन वाली गली, सुखदेव नगर, तहसील के हम कोई भी इलाका तो अछूता नहीं। पहले कहते थे अंसल में है, हुड्डा में है, मॉडल टाउन में है, तो शहर में भी हर मोहल्ले में है, अमर भवन चौक, कोई तो इलाका छूटा हुआ नहीं है जहाँ कोरोना का केस नहीं आ रहा। बाज़ार में भी कोरोना के केस हैं, पर लोगों के मन में भय ख़त्म हो गया कोरोना का। प्रशासन अपने को तो समझ आ नहीं रहा प्रशासन क्या कर रहा है। अपने लेवल पे प्रशासन कुछ कर रहा होगा। विधायक महोदय को भी बात हुई थी, डीसी महोदय भी कर रहे हैं, आता है गाइडलाइन तो आती है, लेकिन काम तो नीचे वालों ने करना है ना। जब ये काम पूरी स्ट्रेंथ में हो जाएगा ना, सारा इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो इस महामारी से तभी ही बचाव हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि बदमाश दिन हो या रात चोरी लूटपाट व स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक और वारदात सामने आई है संभालका ब्लॉक से, जहां बदमाशों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया लेकिन असफल हो गई। पहले हम आपको वह सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें बदमाश सुबह 4 बजे के करीब किस तरह से खुद को पहले पूरी तरह कवर कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला संभालका ब्लॉक के गुलाटी रोड का है, जहां चोरों ने बजरंग टेलीकॉम शॉप को अपना निशाना बनाना चाहा, लेकिन बदमाश असफल हो गए। वही जब इस बारे में दुकानदार से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी पहले हम आपको सुनाते हैं। सवेरे 8 बजे दुकान खोलने के लिए जैसे हम आए नीचे, तो शटर खोल ले, मैंने तीसरा शटर खोलने लगा, तो शटर खोलते हुए उसके एंगल मुड़े हुए थे और शटर उठा हुआ था जमीन से 2-3 इंच, तो फिर मैंने अपना ना वो शटर छोड़ के बाकी शटर खोल के दुकान ओपन कर दी। मैंने फिर अरविंद को फ़ोन कर दिया। अरविंद को फ़ोन करने के बाद अरविंद आया, अरविंद ने देखा और हमने ना सामने नर्सिंग सदन में कैमरा लगा हुआ था, अरविंद बोला उसकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग में उसकी LED ख़राब थी, फिर मैंने अपनी नई LED खोल ली और उनके पास ले गए। LED में देखा कि रात को 4:15 बजे मॉर्निंग में, 11 तारीख की मॉर्निंग में 4:15 बजे एक बंदा आया, उसके एक एक करके 4 बंदे आए। चारों बंदों ने बुरका पहना हुआ था पूरा ऊपर से नीचे तक, पैंट शर्ट के ऊपर मुंह ढका हुआ था, ऊपर कैप लगाई हुई थी। उन्होंने मेरे 2 शटरों पे कोशिश करी, ये शटर छोड़ के एक साइड वाला और दूसरे शटर पे, वो 3 बंदे लग गए उस पर, एक एक करके 3 बंदे उन्होंने नीचे फाड़ी फूड़ी दे के जो भी है उसको उठाने की कोशिश करी, उनसे हुआ नहीं। 4:15 बजे लगे और 4 बजे से 10-15 मिनट उन्होंने मेहनत की, लेकिन हुआ नहीं उनका काम, उसके बाद वो चले। वो जो दुकान की चोरी कर रहे थे आपकी? चोरी करने के लिए आए थे। तो वो नाकामयाब रहे? हाँ जी। तो कर नहीं पाए? नहीं कर नहीं पाए, वो शटर खुला नहीं, उनसे मजबूत एंगल थे, सारी चीज़ से थोड़ा सा पेंट हुआ लेकिन खोल नहीं पाए। तो सुना आपने किस तरह से बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, लेकिन दुकान का दरवाजा मजबूत होने के कारण वह उसे खोलने में नाकामयाब रहे, जिससे दुकानदार का लाखों का नुकसान होने से बच गया। इसलिए हम सबको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। अब तक के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।